हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, पिछले ईयर कैसे ऑनलाइन रही हुई थी या ऑफलाइन, और इस साल कैसे होने की चांस है, इन सभी बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज फ़ी कितना लगेगा, जो अगर आप BC1, BC2, EWS या OBC, SC ST या फिर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन सभी में आप सभी को कितना फ़ी लगेगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है, तो मैं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आई बटन में लिंक दे देता हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन की नोटिस आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर पिछले ईयर जो हुई थी एग्ज़ाम, वो आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई थी। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद फॉर्म भराई शुरू होती है, तो रजिस्ट्रेशन आपको जो है जो ली जाएगी वो 18 तक और एक्सटेंड करके 23 तक जो है फरवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके साथ आपसे उसके बाद ही आपका जो है फॉर्म भराया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो आपको रजिस्ट्रेशन का जो नोटिस आया है, उसमें जैसा कि आप यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा है, तो जैसा कि ये नोटिस है यहाँ पर देखिए, ये UG PG रेगुलर वोकेशनल, तो इन सभी स्टूडेंट्स का जो है, सभी स्टूडेंट्स का पिछले ईयर की अगर बात करूँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑनलाइन हुई थी, और ऑनलाइन में आपको जो है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर नोटिस आ जाती है, वो मैं आपको अगर जब भी नोटिस आएगी मैं आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, इस पर एक भी फेक न्यूज आपको नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं नोटिस रिगार्डिंग, तो इस पर आप जैसे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये स्लिप में आपको डिटेल से दिया गया है कि फी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ऑल UG कोर्स है, ऑल UG कोर्स में है, एप्लीकेबल टू BSc पटना अनदर ग्रेजुएट कैटेगरी अंडर। तो इसमें जो कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे ऑल UG कोर्स है, तो UG कोर्स में जो पार्ट वन 2019 से लेकर 2020 के सेशन में आते हैं, 19 से लेकर 22 के सेशन में आते हैं, उन्हीं सब का रजिस्ट्रेशन होना है, क्योंकि 18 से लेकर 21 के सेशन वाले का रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट फॉर्म भराएगा, क्योंकि वो पार्ट टू में है। ठीक है, सिर्फ पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर हम UG कोर्स की बात कर रहे हैं, तो UG कोर्स में कैटेगरी ऑल है। ऑल का मतलब हो गया BC1, BC2, SC ST, बॉयज़ गर्ल्स, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपको फ़ी 311 ही लगेगा। ठीक है, उसी तरह आपको अदर, एप्लीकेबल टू अदर, जो भी BSc पटना बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जो 12th बिहार बोर्ड से किया या फिर अदर बोर्ड से आया है, तो उसमें ऑल है, उसमें भी आप BC1, BC2, OBC, SC, ST, EWS या फिर जनरल बॉयज एंड गर्ल्स जो भी हैं, उसको 311 ही फी लगेगा। और माइग्रेशन फी, अगर कोई BSc भी पटना यानी बिहार बोर्ड से 12th करके आप एडमिशन लिए हैं, तो उसमें आपको कोई भी माइग्रेशन फ़ी नहीं लगेगा। और जो भी स्टूडेंट्स दूसरे बोर्ड से BSc या ICSE बोर्ड, कोई अदर बोर्ड से आप आए हैं या फिर कोई दूसरे अदर स्टेट बोर्ड से आए हैं, तो आपको 150 आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा। और टोटल फ़ी जो आपको लगेगा वो 311 लगेगा, जो BSc से आए हैं, और जो अदर बोर्ड से आए हैं उसको 461। ये हो गया ऑल UG कोर्स के लिए। और मैं बता दूं, जो 19 से लेकर 22 के सेशन में आते हैं, उन्हीं सब का रजिस्ट्रेशन होगा, जो 18 से 21 के बीच में आते हैं उन सभी का स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्म भरा है चालू होता है। तो और मैं बात कर लूँ दूसरा का, जैसे PG रेगुलर है, और PG रेगुलर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कैटेगरी देखिए यहाँ पे ऑल बॉयज़ है, तो बॉयज़ को जो फी रखा गया 111। और मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो आपको नोटिस बोर्ड है यहाँ पे UG रेगुलर और PG पैरामेडिकल साइंस जो भी यहाँ पे दिया गया है, UG रेगुलर, BLIS रेगुलर वोकेशनल जो भी है, तो उन सभी का स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 13 से लेके 18 तक ही है। ठीक है, आपको UG से बिलोंग करते हैं और PG से बिलोंग करते हैं, आपको इसी डेट के अंदर में आपको सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन जो भी होगी ऑनलाइन होगी, अभी तक साइट पे नहीं आई है। 13 तारीख को जो है, 13 तारीख को जब भी साइट पे आती है, मैं आप सबको सबसे पहले इन्फॉर्म करने की प्रयास करूँगा। और अगर आप 18 के बाद 23 तक आपको टाइम दिया जाएगा, और लेट फी 125 आपको जो है देना पड़ेगा, लेट फाइन। तो यहाँ पर अगर हम PG रेगुलर की बात कर ले, तो उसमें बॉयज़ को 111 और माइग्रेशन करके जो अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं उसको 150 लगेगा, और टोटल 261। उसी तरह आप यहाँ पे ऑल गर्ल्स ST ST से जो भी आए हैं, तो 150 और 461 टोटल जो है आपको देना पड़ेगा। तो उसी तरह PG रेगुलर, PG वोकेशनल कॉलेज PG यहाँ पे ऑल है,
यहाँ पे कैटेगरी यानी कि ऑल ऑल बॉयज़ गर्ल्स ST ST OBC BC 1 BC 2 जो भी EWS से आते बिलोंग करते हैं तो उसको जो फी लगेगा 311 150 माइग्रेशन फ़ी और टोटल मिला के 461। तो आपको ये हो गया फी डिटेल, और मैं बता दूँ कि आपका जो फॉर्म भराया जाएगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी न्यूज आएगी आपको सबसे पहले पहुंचा सकूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए, जय भारत।